Thank you. अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम काबू बारेला है, मैं खरगोन जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं 10वीं और 12वीं जो मैंने एमपी बोर्ड से पास करी, उसके बाद मैंने बीए किया है, उसके बाद से सिविल सर्विस की तैयारी किया। ये आपका नाम काबू क्यों पड़ा? जी सर, हमारे इसमें जो जनजातीय जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ उसमें ऐसा माना जाता है कि जो नाम अगर किसी पर पशु पक्षी या इनसे संबंधित रखते तो वो काफी खुशहाल और स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे माता पिता की जो शुरू की जो संतान होती थी तो वो एक दो बाल मृत्यु का शिकार हो जाते थे शुरू के लोग, तो ऐसे मान लिया जाए कैसे नाम रखने से बच्चे बच्चे स्वस्थ जीवन पाते, तो इस बात का ध्यान रखते ऐसा नाम। भील जनजाति की उपजातियां बताइए। बारेला, पटलिया, मिलाना। बारेला के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा, ये अनुसूचित जनजाति और जनजाति में क्या अंतर होता है? जनजाति जो प्राचीन समय से जो पिछड़ी हुई है, जो वनवास वनों में निवास कर रही है और जो निश्चित क्षेत्र में अभी निवास कर रही है, और अनुसूचित जनजाति जिसको राष्ट्रपति ने घोषित कर रखा है पिछड़ी जाति, तो अनुसूचित जनजाति किस संविधान के आर्टिकल में ये बात कही गई है? 342 में राष्ट्रपति घोषित कर सकता है किसी बात। खरगोन की कोई तीन महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो खरगोन में जो ऐतिहासिक स्थल है महेश्वर, मंडलेश्वर और कसरावन है, रावे खेड़ी जो है, इसके साथ साथ ही वहाँ पर जो कृषि में देखा जाए तो कपास पूरे भारत में वो अग्रणी है। खरगोन की वो कौन सी चीज है जो भारत में फर्स्ट पोजीशन पर है? कपास और मिर्ची आ रहा था सर। क्या है कपास? कपास उत्पादन में फर्स्ट है क्या? कपास और मिर्ची इंडिया में। अच्छा, एजुकेशन में आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया है ना, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, आधारभूत पाठ्यक्रम। क्या होता है ये आधारभूत पाठ्यक्रम? इसमें हिंदी और इंग्लिश का साथ साथ में जो सर मॉरल एजुकेशन जो दी जाती है वो पाठ्यक्रम आती है, साथ में हिंदी और इंग्लिश का आता है। नैतिकता को समझाइए। कोई कुछ भी कार्य है जो कि हमारे द्वारा हम एक्शन जो लेते हैं वो विधि के अनुरूप सही हो और समाज की दृष्टि से भी वो उचित हो, तो लगता नैतिकता। राजनीति के किन्हीं तीन भारतीय विचारकों के नाम बताइए। सर 2015 से क्या कर रहे हैं अभी आप? सर 2015 से मैं शुद्ध रूप से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये कौन सा इंटरव्यू है आपका? सर पहला ही इंटरव्यू। तो 2016, 17,
18-19 क्या रहा पड़ेगा सर? इससे पहले दो बार दिया था हमने, 16 का और 17 का, तो उसमें मेरा प्री नहीं हो पाया था, पर 19 का मेरा किसका प्रयास है। क्या कारण रहा कि मतलब पिछले प्रयासों में पास नहीं कर पाए? सर सही डायरेक्शन और कुछ मेरे कुछ कमजोरियां थी, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं कर पा रहा था और कुछ चीजें बार बार रिविजन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी मेरे से बन नहीं पाते थे, जो उसको मैंने फिर उस पर काम करा, रिविजन करा मल्टीपल टाइम और पूरा सिलेबस को कवर कर किया। ध्यान क्यों लगाते हो? इससे मानसिक शांति मिलती है और हमें हमारे चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी वजह से। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना है आपने? इस समय हमारे चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सर सुशील चंद्र। सुशील चंद्र। अच्छा, कितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? ये अभी 5 राज्यों में। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का ये कौन सा कार्यकाल है? मुख्यमंत्री सर जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पाऊँ 5। अच्छा, हमने तो चौथा पढ़ा। सर काबू जी, पहले तो आप खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आप थोड़े से डरे हो। एजिटेशन में तो नहीं हो? ना लेकिन और आपने कोरोना के दोनों डोज ले ही लिए होंगे? हाँ। ठीक है, ओके। जैसे कि इसके आपने लिखा है कि आप महेश्वर तहसील से आते हो जी, तो महेश्वर की कुछ विशेषताएं बताइए, कुछ बता पाओ? लगभग 3 विशेषताएं सर। एक तो यहाँ पर जो है महेश्वरी साड़ियाँ जो होती है जिसको GI tag भी मिला है जी। सर ये एक महेश्वर की प्रसिद्ध है। उसके साथ ही सर ये ऐतिहासिक स्थल है, अयोध्या राय की राजधानी रहा है, तो यहाँ पर कुछ रमणीय घाट बने हुए हैं। उसके अलावा सर सहस्त्र धारा है यहाँ पर, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है जी। अच्छा, अगर आपको एक ऑप्शन ये मिले कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल की कुछ विशेषताएं सपोज आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके सामने इंस्टेंट एक बॉटल है और आपको इस बॉटल की कुछ विशेषताएं शेयर करनी हो, तो किस तरीके से करोगे? फॉर एग्जांपल आप 3 विशेषताएं शेयर कर दीजिए। सर एक तो ये कि सर ये बॉटल जो है ये इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, हम हाथ में भी लेके जा सकते हैं, इसको बैग में रखने में भी आसानी है। इसके साथ ही सर काफ़ी ये अट्रैक्टिव है, जिसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं तो हम घूमने जा रहे तो ले जा सकते हैं उसको। मल्टीपल मतलब किस मसी मल्टीपल सर? स्कूल में बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, हम भी कहीं टूरिस्ट घूमने जा रहे तो ले जा सकते हैं इस टाइम। उसके अलावा सर इसमें हम थर्मस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गर्म चीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन ये तो स्पेशल पानी के लिए, अगर इसमें आप थर्मस के रूप में चाय वगैरह रखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना इफेक्टिव रहेगा। कुछ समय तक रहेगा सर, ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। ओके ठीक सर। तुम्हारा प्रिय विषय कौन सा है? सर संविधान। संविधान में कुल कितने आर्टिकल है? सर 395 प्लस। कुछ बढ़ गए? हाँ जी सर, अभी इनके सब आर्टिकल मिला के जो सर 450 के लगभग। आर्टिकल 343 क्या है? तो फिर भी नहीं बता पा रहे
अच्छा राज्यपाल की विवेकी शक्तियाँ क्या होती है? संविधान में कहीं इनका उल्लेख किया गया? सर वो राज्य विधान मंडल जो विधेयक पास करते हैं जो उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। साथ ही सर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। जो दंड में समाधान की जो शक्ति है जनजाति नेता के रूप में जननायक टंडिया का नाम सुना होगा जी। उसको रॉबिन हुड कहा जाता है। हाँ। क्यों कहा जाता है? रॉबिन हुड लाने के पीछे ये मकसद था कि जो भी रॉबिन हुड था वो जो गरीबों की जो सेवा करते थे टंडिया जो थे वो अंग्रेजों का खजाना लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे तो इस वजह से उनको इसकी संज्ञा दी। कौन सा पद पहले तुमने भरा है? सर डिप्टी कलेक्टर। जो कारण पहला डिप्टी कलेक्टर की क्यों भरा? सर मैं इतना शुरू से ही रुझान रहा है कि डिप्टी कलेक्टर बनेगा। इसके साथ ही सर मुझे इस फील्ड पद पर रहता हूँ तो मुझे विविधता मिलेगी कार्य करने की। सर यही मैं तुझे अच्छा तुमने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कोई डिग्रियां नहीं ली जी सर? क्या कारण रहा उसके पीछे? सर उसके पीछे तो खास कारण तो नहीं था। इंडिया सिविल सर्विस के प्रति रुझान था शुरू से तो मैंने क्वालीफाई कर जाऊँ इसलिए सिर्फ ग्रेजुएशन कर दिया। मेरा पूरा फोकस मेरा सिविल सर्विस के प्रति था इस वजह से मैं कर जैसे मान लो कि PSC में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या प्रिपरेशन क्या तैयारी? सर अभी तो मैं पूरा टाइम इसी को दूंगा PSC को ही तो उसके बाद भी अगर नहीं होता तो सर अभी सोचा नहीं मैंने उसका ऑप्शन क्या है। जो 27 वर्ष 8 माह 23 दिन के हो तो कब सोचोगे? सर अभी तो पूरा फोकस इधर ही है। कोई समानांतर कोई योजना नहीं है? कोई पैरेलल स्कीम नहीं है कि अगर इसमें मेरा नहीं हुआ तो मैं यहाँ के करूँगा ये करूँगा ऐसा कुछ? अभी एग्जैक्ट सोचा नहीं है सर। हाँ अभी पूरा ठीक है। हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास हो इंटरमीडिएट भी फर्स्ट क्लास हो ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है क्या कारण रहा है? सर इसका जो है मैं रेगुलर क्लास जा नहीं पाया था उसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य समस्या थी जिसकी वजह से मुझे प्राइवेट करा था तो सर कि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन से चल रहा है। मतलब प्राइवेट करने के कारण परसेंटेज कम हुए, रेगुलर करते तो ज्यादा होता। सर ऐसा नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या थी मेरे उससे। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से सीधा सिटी में आया था तो मैं यहाँ पे बहुत बीमार हो गया, मेरा कोई सूट नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसी परिवेश में ढलने में। इस वजह से कोविड पीरियड में एजुकेशन में जो नुकसान हुआ वो क्या किस रूप में देखते हैं? जी सर इससे सर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो तो सर जो प्राथमिक स्कूल जो छोटे बच्चे को उन्हें काफी ये लगता है कि जो बाकी बड़े बच्चे जो है हमारे उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देके उसे भरपाई कर सके। छोटे बच्चे जिनको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है हमारी तो उस टाइप के हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है
जिस वजह से तुमने इस पीरियड में कैसे तैयारी की, थोड़ा हमें बताओ। सर मोस्टली हमने इसमें सर ऑनलाइन सोर्स से ही मोबाइल और इससे ही पढ़ा है, तो सर हमारा जो मुख्य साधन जो था वो सर ऑनलाइन एजुकेशन। उसके साथ ही सर सेल्फ डिसिप्लिन था हमारा सबसे, जो मोटिवेट करा था हमको भी नहीं है सर। उसके साथ ही सर एग्जाम जो टाइम था मेन्स का एग्जाम का, उसका थोड़ा हमको सिलेबस टाइम पे कवर करना है, ये भी थोड़ा प्रेशर रहता था, तो सर हम कर लिया सर। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पोस्ट में डीसी की पोस्ट डाली है कि, और जिस तरीके से आप तो तैयारी कर रहे हो, तो आपने साइड में कोई ऑप्शन नहीं सोचा है कि इन कंडीशन अगर आपका डीसी है नहीं होता है, या फिर आपका प्रशासनिक लेवल में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस बारे में आपने कहा कि आगे आपने तो सोचा नहीं है। एनी कंडीशन अगर आपका डीसी में हो भी जाता है, कल को आपके सामने कुछ समस्याएं आती भी है, तो उन समस्याओं का निराकरण आप एट द प्रेजेंट टाइम करोगे या फिर एक पहले से एक प्लानिंग करोगे? सर कुछ समस्या को हम तो प्रेजेंट में ही जाना होगा क्योंकि वो अचानक से आएगी सर। इससे अलावा कुछ समस्या जो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं उसको सर हम पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लगता है जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी फ्यूचर के लिए एक समस्या बन सकती है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? वहाँ की स्थिति में कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर आएगा और उस प्रेशर का प्रभाव कहीं पर आपके परिवार पर भी पड़ सकता है। हाँ जी सर। तो फिर जो समस्याएं क्रिएट हो सकती है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी मैच्योरिटी को शो नहीं कर रहे हैं? जी सर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हाँ मेरा जो हिसाब से मेल लगा हूँ जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा। इसमें अच्छी बात है कि आपने इतनी श्योरिटी रखी है कि कहीं ना कहीं सो जाए। ठीक है, आप जाइए।